हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है ये छोले भटूरे की रेसिपी, जो कि सभी को खाना बहुत पसंद होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं छोले भटूरे। स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं छोले भटूरे। तो चलिए फिर देखते हैं रेसिपी, मैंने किस तरीके से ये छोले भटूरे की रेसिपी बनाई हुई है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे, और अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम छोले तैयार करेंगे। तो ये एक कटोरी छोले मैंने रात भर भिगो के रखे हुए थे, तो सबसे पहले मैं इनको बॉईल कर लूँगी। तो इस कुकर में मैं इसको छोले को डालूँगी। तो सारे छोले मैंने ऐड कर दिए हैं, मैं एक गिलास पानी डालूँगी। देन इसमें मैं एक चम्मच नमक डालूँगी। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं एक चुटकी सोडा डालूँगी, मीठा सोडा। नेक्स्ट इसमें मैं यहाँ पे चाय पत्ती की एक पोटली बना के मैंने रखी हुई है वो डालूँगी। आप अगर आपके पास टी बैग है तो आप वो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ एक साफ़ कपड़े में एक चम्मच चाय पत्ती को बांध के आप उसको भी डाल सकते हैं। ये हम स्वाद के लिए डालते हैं और थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए डालते हैं। तो अब हम इसका कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। और तीन सीटी आने तक हम इसको बॉईल कर लेते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले भटूरे का आटा लगा के रख देते हैं। तो भटूरे के आटे के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 कप मैदा, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे ली है मैंने आधा कटोरी सूजी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है आधा कटोरी दही। नेक्स्ट यहाँ पे लिया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा मीठा सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है वो, और गरम पानी लिया है। गरम पानी से हम आटा गूंथेंगे। तो चलिए फिर पहले आटा गूंथ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आटा गूंथ लेते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है और इसको सेट होने के लिए भी रखना पड़ता है 2-3 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैं बीच में स्पेस कर देती हूँ आटे के। नेक्स्ट इसमें मैं डालूँगी सूजी, जो आधा कटोरी सूजी ली थी हमने वो डालूँगी। नेक्स्ट इसमें मैं डालूँगी चीनी। नेक्स्ट मीठा सोडा, खाने वाला सोडा है वो डालूँगी। नमक डाल दूँगी स्वाद के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल है ये। अब हम डालते हैं इसमें जो आधा कटोरी दही लेके रखा था वो डालेंगे। ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए। अब हम इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हम दही और ऑयल में ही मिक्स कर लेंगे आटा, उसके बाद हम पानी डाल के आटा गूंथेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसमें जो गुनगुना पानी करके रखा हुआ था गरम पानी, उसको थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे भटूरे का डो हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको 3-4 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे और ढक के हम इसको रख देंगे किसी गर्म जगह पर, ताकि ये अच्छे से फूल जाए और सेट हो जाए। तो इसको हम रख देते हैं, और ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देती हूँ। अब हम इसको एक ढक्कन से कवर कर देते हैं और 3-4 घंटे के लिए इसको रेस्ट पर रख देते हैं। तब तक हम छोले की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए, छोले भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। अब हम ये चाय पत्ती की पोटली निकाल देंगे और छोले भी एक छलनी में छान लेंगे। तो छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सामग्री ली है। सबसे पहले यहाँ पे बॉईल किए हुए छोले लिए हैं, ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बॉईल हो चुके हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको चॉप कर लिया है,
नेक्स्ट यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का कद्दूकस करके पेस्ट लिया है, आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे ये छोले मसाला है 2 चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक है। यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। नेक्स्ट यहाँ पे लिया है 1 चम्मच जीरा। नेक्स्ट यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज जिनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये सारे मसाले हम यूज़ करने वाले हैं, तो चलिए फिर छोले बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा के रखी हुई है गैस पे, मीडियम फ्लेम रखा है गैस का। यहाँ पे जो ऑयल लिया था 2 चम्मच उसको डाल देंगे और ऑयल को गरम कर लेंगे। तो ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा को थोड़ा सा हम भून लेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इसमें डालेंगे जो अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट था उसको ऐड करेंगे। आप रेडीमेड ले सकते हैं, बट अगर आप ऐसा कद्दूकस करके डालते हैं तो उसका स्वाद ही कुछ अलग आता है, स्वाद में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब हम इसको 1 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो अभी ये भून चुका है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए और हल्का गुलाबी सा गोल्डन कलर हो जाए। तो प्याज भी भूनकर तैयार, अब हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे और टमाटर को भी हम गलने तक अच्छे से पका लेंगे। इसको ढक के पकाएंगे ताकि ये बहुत जल्दी गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो इसको पहले मिक्स कर देते हैं अच्छे से। तो चेक कर लेते हैं अभी टमाटर, तो ये देखिए टमाटर भी बहुत बढ़िया तरीके से गल चुके हैं। अब हम इनको एक बार मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अब हम नेक्स्ट इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा और बाकी जो हमने ड्राई मसाले लिए थे उनको ऐड कर देंगे और साथ ही साथ इसमें छोले मसाले जो लिया था 2 चम्मच उसको ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है। मसाला भूनने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मसाले को अच्छे से मिक्स करते हुए हम अच्छे से भून लेंगे इसको। तो चेक कर लेते हैं, ये देखिए मसाला भी भुनकर तैयार है, ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। हम इसको एक बार चला देते हैं अच्छे से मिक्स करते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके छोले रखे हुए थे उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सारे छोले मैंने ऐड कर दिए हैं अच्छे से और इनको मिक्स कर देंगे। तो छोले मिक्स कर दिए हैं अच्छे से, अब मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करूँगी। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें। 1/2 ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से ढक के 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल आने तक अच्छे से पका लेते हैं। तो 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से इसमें बॉईल भी आने लगा है और छोले बनकर एकदम तैयार हैं। तो गर्मा गर्म आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम भटूरे का आटा भी देख लेते हैं, वो भी सेट हो चुका होगा, तो भटूरा बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसको भी रखे हुए आटे को 3-4 घंटे हो चुके हैं। आटा अच्छी तरह से फूलकर सॉफ्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। इसको हम एक बार अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे और इसकी नींबू के आकार की हम छोटी छोटी सी लोइयां बना लेंगे भटूरे के लिए। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी सी लोइयां बना लेते हैं, ये देखिए। तो अब हम भटूरे को बेल लेते हैं। तो आपको जैसे भी शेप में बेलना है तो आप वैसे बेल सकते हैं, वैसे ओवल शेप में रहता है भटूरा। तो आपको गोल बेलना है तो आप वैसे बेल सकते हैं या तो ओवल शेप में बेल लेते हैं। मैं यहाँ पे छोटे छोटे से 2 भटूरे तैयार कर रही हूँ।
ये देखिए इतने साइज़ का भटूरा बेला है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग बेल सकते हैं। तो गैस पे मैंने ऑयल पहले कढ़ाई पहले से चढ़ा रखी है और इसमें इतना ऑयल डालना है कि अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। तो ये देखिए आटे का मैंने थोड़ा सा डाला है, तो ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें भटूरा सेकेंगे, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो अभी जो भटूरा बेल के रखा हुआ था उसको हम डालेंगे और इसको ऊपर से प्रेस करते हुए हम सेकेंगे। प्रेस करते हुए सेकेंगे तो ये अच्छे से फूलेगा। तो ये देखिए भटूरा एक साइड से सिक चुका है, दोनों साइड से हम अच्छे से सेक लेते हैं। तो अभी ये सिक चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी इसी तरह से हम सारे भटूरे सेक लेते हैं। प्रेस करते हुए सेकिएगा। तो भटूरे सारे सिक चुके हैं, हम इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो छोले भटूरे बनके तैयार हैं, मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, सर्व किया है। यहाँ पे बाउल में मैंने छोले की सब्जी रखी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके साथ मैंने प्याज चॉप करके रखी हुई है और यहाँ पे ये भटूरे हैं गर्मा गर्म। तो एकदम तैयार हैं छोले भटूरे। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।